वही फर्जी हथियार लाइसेंस मामला बतूल पकड़ता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में 40 जगहों पर छापेमारी की जा रही है, सीबीआई का ऐसा कहना है। श्रीनगर में बता दें कि 24 जुलाई केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने शनिवार को कहा कि उसके अधिकारियों ने फर्जी बंदूक लाइसेंस के मामले में सिलसिले में जम्मू कश्मीर में लगभग 40 स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें तत्कालीन लोक सेवकों आईएएस अधिकारी और लगभग 20 बंदूकों के घरों के आवासीय परिसर शामिल थे। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के सुमलर जंगलों के शोकबाला इलाके में शनिवार सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सैनिक एक जवान घायल हो गया। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि गोलीबारी के दौरान एक सैनिक घायल हुआ और श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईद उल अजहा के चौथे दिन की पूर्व संध्या पर कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में सप्ताहांत कर्फ्यू जारी है। प्रशासन लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखने और उनकी बेहतरी के लिए एसओपी का पालन करने के लिए आग्रह किया। गुलमर्ग रोड पर वीकेंड लिमिट से संबंधित नॉन स्टे बिना बुकिंग कंफर्म किए गए विजिटर्स पर ट्रैफिक प्रतिबंधित है। आगंतुकों के लिए कुंजर पुलिस की अपील है कि कृपया अधिकारियों का सहयोग करें और सुरक्षित रहें, दूर रहें। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं सैयद आमिर। जी नाज़रीन, बात करें कश्मीर घाटी की तो कश्मीर घाटी में जो कल से लेकर ईद का जो जोश व खरोश था तो लोग टूरिस्ट प्लेस की जानिब बहुत ज़्यादा जाते थे, लेकिन आज की अगर बात करें तो आपने विजुअल्स में भी देखा कि किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम है, क्योंकि कल से ही लेकर एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि जो विजिटर्स हैं लोकल विजिटर्स से लेकर टूरिस्ट की तो उन्हें फिलहाल के लिए रोक दिया जाए ताकि जो कोविड-19 पेंडेमिक है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। उसी के सिलसिले में दो दिन के लिए सैटरडे संडे को यहाँ पर टूरिस्ट रिसॉर्ट गुलमर्ग और साथ साथ द्रंग प्लेस को आज बंद किया जा रहा है। तो लोकल विजिटर्स के साथ साथ जो टूरिस्ट यहाँ पे जा रहे हैं उन्हें यहाँ पे रोका जा रहा है और उन्हें चेक किया जा रहा है क्या उनके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है जो ये स्टे कर सकते हैं नाइट के लिए या नहीं, तो उसी को यहाँ पे जाने की इजाज़त दी जाती है जिसके पास नाइट स्टे हो। बाकी जो भी यहाँ पे द्रंग या गुलमर्ग जाने की कोशिश करते हैं उन्हें यहाँ पे रोका जा रहा है। या विजुअल्स में ये मंजर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पुलिस के जानिब से कुंजर पुलिस के जानिब से गाड़ियों को रोका जा रहा है और जोक दर जोक यहाँ पे लोग के साथ साथ गाड़ियाँ दिखने को मिल रही है। ये विजुअल्स आप बराह रास्त कुंजर से देख रहे हैं। पिछली प्रथा के अनुसार चारी मुबारक भगवान शिव की पवित्र गदा को आज भूमि पूजन अर्थाचारोहण समारोह के लिए पहलगाम ले जाया गया। महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में दशनामी अखाड़े के साधु और भक्तों का एक समूह सुबह सुबह यहां पहुंचने पर अनुष्ठान शुरू हुआ। पुस्टिंग बिजबेहरा में उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने समूह का गर्मजोशी से स्वागत। नौशहरा के गांव डिंग में सैनिक इकलाल बटालियन 33 आरआर की तरफ से नौशहरा बॉर्डर से सटे गांव में रहे लोगों के लिए बीडीसी को सेना द्वारा हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे और हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। गांव के लोगों ने सेना का धन्यवाद किया जो समय समय पर बॉर्डर के लोगों को हर प्रकार की जानकारी देते हैं। यहाँ पर अपना चेंज लीवर पोजीशन बोलता है इसको, इसमें अभी ये मेरा खेत में है, उसमें 33 आरआर सीओ साहब को अन्य रैंक जवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बॉर्डर के एरिया के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने फायरिंग के लिए ट्रेनिंग दी और भी शादी शुदी के लिए हेल्प करते हैं, हर किस्म की हमें कोई भी दिक्कत नहीं है इनके होते हुए। मैंने ट्रेनिंग दिया है और किसी को भी इस चीज़ के बारे में मालूम हो जाता है कि वेपन के हथियार कैसे चलाना है, क्या कार्रवाई करनी है, अच्छी है इसके लिए। हम तो आर्मी की हेल्प ही करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, अभी आर्मी जितने भी आर्मी की हेल्प करेंगे उतना उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी सेफ्टी है पूरे गाँव में। खेरानी डोडा में सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि डोडा में 24 जुलाई यानी कि आज सुबह करीब 5:30 बजे रैंक नंबर JK8H1246 वाला एक ऑटोमोबाइल भद्रवाह की ओर जा रहा था, जब वह खेलनी पहुंचा तो करीब 200 फीट नीचे लुढ़क गया, जिससे 3 लोग घायल हो गए। घायलों को GMC डोडा ले जाया गया। अवैध खनन के खिलाफ और आर्थिक अपराधियों के खिलाफ नकेल कसने के अभियान में रियासी पुलिस ने अवैध खनन द्वारा सार्वजनिक संसाधनों से पैसा निकालने में शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। पुलिस सूत्रों और जनप्रतिनिधियों की मदद से रियासी पुलिस की टीमों ने पिछले 2 सप्ताह के दौरान विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया।
वहीं जल शक्ति विभाग के खिलाफ वाहन ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें कि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लंबे समय से जलापूर्ति लाइन टूट जाने के कारण ग्रामीणों को पीने के पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी से पानी लाना पड़ रहा है। से हमें परेशानी है, हम मौके में पीएचई के दफ्तर भी गए थे जहां उन्होंने कहा कि हम 2-4 दिनों के बाद ही आएंगे, लेकिन हम उनकी राहें देखते देखते थक गए। हम ये सोचते हैं कि मतलब हम क्या, हमें कौन सा सलूशन है, इसके सिवा हमें कोई सलूशन नजर नहीं आया, इसलिए हमने रोड ब्लॉक किया। डिपार्टमेंट का कहना है कि हम आपका ये सलूशन जो है हम इसका हल निकालेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि हम 10 दिनों के अंदर ही आपका मतलब जो ये मुश्किल है हम इसका हल निकालेंगे, लेकिन हमें मतलब ये महदूद लगता है इनके बातों से ही, लेकिन मतलब ये बात ये हमें नहीं लगता है इसका मसला हल करेंगे। ओत ईद चमह त्रेश दाम पत्न ये मल आब सु चौ अच्छा तूत आब अगे त्रे वरी बिल्कुल आब बिल्कुल नहीं कहें मरान बमार द्राय सोस महल सोस महल सारे बमार वे नुने महल सानस गाम मे पकान आबस पंच लोन मगर अच्छा आब सारे लोन सोस महल मज पकान ये मगर अच्छा आब। वहीं जिला विकास आयुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आज संबंधित अधिकारियों को सरकार के विभिन्न प्रमुख पहलों के माध्यम से युवाओं को जोड़ने और सशक्तिकरण के लिए समन्वित प्रयास करने का निर्देश दिया। डीडीसी ने यह बात मिशन यूथ वन अधिकार अधिनियम, जनजातीय सर्वेक्षण, जिला कैंपेक्स बैक टू विलेज और इसके अलावा जनता की शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट में जिले द्वारा की गई प्रगति की व्यापक समीक्षा करते हुए ये बात कही। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आप अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कर दो सीपीओ सेक्शन में कि ये अंगनवाड़ी हमारी तरफ से कवर है, तो अभी इस मॉडल पर रिफ्लेक्ट करें। वी ट्राई टू मेक इट।